अल्लाम खुश आमदे बखैर तमाम देखने वालों को प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर प्रोग्राम में जी बात हो रही है आजकल कुछ मसाइल के हाले से गुज्तर प्रोग्राम में कुछ बात हुई थी तालीम के हवाले से बहुत सारे पैगाम आपके मौसू हुए बहुत सारी कॉल्स भी प्रोग्राम में हमने शामिल की और उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया के जरिए फीडबैक मिलती है उसके ऊपर कोशिश यती है कि मसाइल के हवाले से गुफगू करें बहरहाल जी ये तालीम नज़ाम को बेहतर बनाना है क्या तरजीहत हैं हुकूमत की इस हवाले से हमने बात की और ख़ासतौर पर ये जो स्कूल खुलने का मामला है इसके हवाले से जो है वो ख़ास तौर पर गुफगू हो रही है आजकल लेकिन साथ साथ हमारा एक सिलसिला जारी है आ, हफ्ते में हम कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम जो है आपकी सेहत के हवाले से जो मसाल हैं उसके ऊपर रखें और इसी मुनासबत से हमारे पास मुख्तलफ़ यहाँ पर लोग या डॉक्टर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं कभी हम इस्किन के हवाले से बात करते हैं या दीगर मामलों के हवाले से बात करते हैं कभी हम रूहानियत के हवाले से बात करते हैं जो रूहानी मामलत हैं उसके हवाले से गुतगू होती है और इसी तरह हर्बल जो तरीका इलाज है इसके ऊपर भी हमारी प्रोग्राम में मतगू रहती है बहरहाल जी बहुत सारे आपके सवाल मौसू होते हैं कोशिश होती है कि प्रोग्राम में उनको फर्दन पर्दन शामिल किया अब बिला तख़िर आज का जो सिलसिला है हमारा आज क्योंकि थर्सडे प्रोग्राम में हमारे हमारे बड़े ख़ास मेहमान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अस्करी साहब वो आज एक दफ़ा फिर हमारे मेहमान हैं सबसे पहले तो मैंने खुश आमदेद कहूँगा बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने हमें वक्त दिया प्रोग्राम के अंदर और डॉक्टर साहब का तारफ़ क्योंकि माशा एक तवील अरसे से जो शुब तिब है इसके साथ मुंसलिक हैं रिसर्च कर रहे हैं अमेरिका में मुकीम रहे वहाँ पर बड़े तवील अरसे तक काम करते रहे रिसर्च करते रहे हर्बल मेडिसन के ऊपर और इसके अलावा और बहुत सारे बड़े नामी ग्रामी लोगों का आपने इलाज भी किया उनके ज़ाती नॉलेज भी आप रहे हैं और साथ साथ आजकल जो है वो पाकिस्तान में मुकीम है और यहाँ पर जो है वो अपना काम कर रहे हैं ख़ासतौर तौर पर जो जड़ी बूटियाँ हैं उसके ऊपर रिसर्च हो रही है तो इसी हवाले से बहुत सारे पैगाम मौसू हुए थे और तमाम ही कम बेश ऐसी बीमारियाँ हैं जिसके बारे में लोगों ने सवाल भेजें उनका इलाज हो रहा है बड़ी कामयाबी के साथ हो रहा है तो आज उनसे इन तमाम मामला पर गुफगू करेंगे आज खास तौर जो हमारा जो मौजूँ होगा वो दिल की जो बीमारियाँ उसके हवाले से रखेंगे सबसे पहले डॉक्टर साहब को मैं वेलकम करूँगा डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच आज का जो मौजू है मैं चाहूँगा उसके हवाले से थोड़ी सी गुफ्तू हो जाए प्रोग्राम के आगाज़ में ये जो दिल की बीमारियाँ हैं उसमें बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है क्या वजुआत सामने आ रही है मैं चाहता हूँ पहले इसके ऊपर थोड़ी सी जी हाँ बहुत अहम मौजू है और इस मौजू के हवाले से मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिल का एक मामला ऐसा है कि दिल आपका पैदा होने से पहले आपके वो काम करना शुरू कर देता है जी, जी। और ये मौत तक काम करता है चौबीस घंटे दिल जो है वो आपका सोते जागते उठते बैठते सारे काम जो हैं वो दिल पर इसार है बिल्कुल ठीक है और ये ऐसी एक अल्लाह ताला ने मोटर बनाई है जी। जो खून की नालिया छोटी बड़ी तमाम नालियों को अगर हम सीधा कर दें जी। तो नियर अबाउट दस लाख किलोमीटर के बद बन ढाई बन है ये पूरी वेन जो है वो का, कवर कर सकती है ऐसा ही है और एक दिल जो है जी वो ऐसी मोटर जो पूरी सप्लाई लाइन को बहाल करता है बिल्कुल ठीक है अब इसके दरमियान में अगर कहीं भी रुकावट आ जाती है किसी भी किस्म की Uh, 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 मामला में जो है उस तातोल होना हो जाता जी है जी तो वो हिस्सा जो है वो uh, काम करना छोड़ देता है या कमजोर होना शुरू हो जाता है खुद दिल की आर्टरी जो है मेन सप्लाई लाइन जो है, जी जी जो है अगर वो शिक हो जाए सुकर जाए या हार्ड हो जाए जिसके बाद जो है वो जोग्राफी भी होती है और इसी पर जो है बाईपास भी होता है जी, जी। तो इन चीज़ों को अगर आप लोग बचना चाहते हैं बाईपास से हुँ, हुँ। तो उसके लिए हमारे पास बहुत अला जाते हैं तिब्बे के जिससे आरटीज भी खुल जाती हैं सफाई हो जाती है खून की नालियों में जो क्लॉट्स आ जाते हैं रुकावट होती है कोलेस्ट्रॉल की वजह से तो वो उसके लिए बहुत अला दवाएं हैं जो इनशा आपको ऑपरेशन से बचा देते ठीक है अच्छा अभी आपने आपने ऑपरेशन की बात की यहाँ पर हो ही रहा है कि जैसे ही हार्ट का कोई इशू होता है फ़ौर से तजवीज़ किया जाता है कि ऑपरेशन ही इसका वाद हल है बहुत सारे लोग इसमें बहुत ज़्यादा घबराते भी हैं और जो कुछ हो रहा है वो मामला तो शायद इस वक्त जेर बहस नहीं ला सकते लेकिन लोगों को इससे बड़ा नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी भी पड़ रही है और दूसरा ये कि जो मौली मामलात हैं उसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं यानी कि आज दिल का इलाज करवाना इतना मुश्किल है कि पाँच से छः लाख रुपए का खर्चा जो है इसमें एक आम आदमी का हो जाता है कम अज़ कम बिल्कुल, बिल्कुल तो ये बिल्कुल। बड़ा तकलीफ दे मरला है तो लोग ये जानना चाहते हैं मैं चाहूँगा थोड़ा लोगों को ये बात समझ में आए कि ये जो तिब्ब नबी का जिसका भी आपने तस्करा किया है और हर्बल मेडिसन के ज़रिए जो देर देरपा इलाज है क्या मुमकिन है ये सबसे पहले मैं चाहूँगा थोड़ा लोगों तक पहुँचा दिया जाए देखिए बात यह है कि फिर जो है क्योंकि लोगों का लोगों का रहन सहन खाना पीना ऐसा गैर मुतवाजन है और ए, उसके अलावा हमारी खुराक में मिल, मिलावट बहुत है बेशक बेशक ऐसे ही मुर्गी या भैंस के गोश्त को स्टोराइज लगती हैं उनसे इंजेक्शन लगती है उसकी बड़ी फीड जो हैं ऐसी है कि जो एक दफ़ा आप देख लें तो मुर्गी को कभी ज़िंदगी में हाथ ना लगाएं बिल्कुल ठीक मगर ये एक मजबूरी है लोगों को इस तमाम चीजों के साथ जो है जीना जी, पड़ रहा है बिल्कुल फिर अपना अमूर जिंदगी में जो बीमारी मैं बताता हूँ कि बीमारी हो क्यों रही है और इसका इलाज भी आपको बताता हूँ बहुत ज्यादा खाना बहुत ज्यादा चिकनाई का इस्तेमाल करना आराम करना एक्सरसाइज नहीं करना सैर नहीं।, नहीं करना वॉक से जो है वो अवॉइड करना मशक्क़त की जिंदगी से जो है लोग दिल वो नहीं करते दूर होते जा रहे हैं जी हाँ बहुत दूर हो रहे हैं फिर ख़ासतौर पे पिछले दिनों जो ये कोरोना की वजह से लोग लॉकडाउन हो गए जी और इसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हुई बहुत सारे मराज बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक हुआ क्योंकि उनका चलना फिरना बिल्कुल ख़त्म हो, हाँ हाँ हो गया था खाने पीने में एहतियाती ख़त्म हो गई थी और फिर टेंशन जो थी कोरोना की टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा की गई थी ठीक इससे ब्लड प्रेशर शूट किया है लोगों का शुगर बढ़ गई लोगों की और इसी तरीके से मुख्त्य मामला में लोग बड़े परेशान हो गए जोड़ों का दर्द कमर का दर्द वगैरह हमें रोज़ाना जो है इस्तेमाल करनी चाहिए जो गज़ाएँ उनमें फल सब्जियां दूध दही वग़ैरह का इस्तेमाल लाजमी रखें और इसमें यह है कि खाना खाने के बाद जो है वो ऐसा वो थोड़ा सा पंद्रह बीस मिनट के बाद वॉक करें सुबह नाश्ता जो है वो करने से पहले तीन से चार गिलास पानी पिए वक्फे वक्फे से पानी पीते रहें थोड़ा टहलते रहें या एक्सरसाइज करते रहें वॉक करते रहें उससे पानी डायलूट होता है और खून जो है पतला होना शुरू होता है खून की नालियों में जाता है उससे आपके मसाइल जो है हार्ट के प्रॉब्लम के वो काफी कम हो जाते हैं ठीक है इसी तरीके से जौ का दलिया इस अपनी नाश्ते में रखें अंडा या मक्खन या बहुत ज्यादा मुर्गन चीजें जो है वो नाश्ते में ना इस्तेमाल करें पराठा हुआ वगैरह यामूमन लोग इस्तेमाल करते हैं ये तो प्रिकॉशनरी है कि आपको किस तरीके से अपने आप को महफूज करना है ठीक है बाकी ये है कि हार्ट के हवाले से जैसे आपने सवाल है कि ये बहुत वाकई बड़ा तकलीफ होता है और इस मरहले से गुजरने वाले लोग जानते हैं कि वो कितने अजियत से गुजरे ही और उसके बाद सा, सारी जिंदगी वो फिर दवाई दिल, दिल की दवाइयाँ खाती रहती हैं। है ऐसा ही है और उससे मजीद कॉम्प्लिकेशन्स पैदा होती हैं जी जी इससे बेहतर यह है कि आप बाईपास से पहले या किसी ऑपरेशन से पहले जी। रजू करें अपने हर्बल थी? हर्बलिस्ट से डॉक्टर से हुँ, हुँ, हमारे पास दवाइयाँ हैं जो खुद को थिन भी करती हैं खून की नालियाँ भी खोलती हैं बिल्कुल और बिल्कुल क्लिनजिक कर देती हैं खून की नालियों की सफाई भी कर देती हैं है। जबरदस्त और इसमें जो बहुत सारे मामल में आदमी ठीक ठाक हो जाता है मैं समझता हूँ कि हमारा तरीका है इलाज में एलोपैथिक डॉक्टर्स को हर्बल साइंसिस पर भी कुछ उनको नॉलेज होना चाहिए होना चाहिए बिल्कुल और इसी तरीके से हुक्म हजरात को भी एलोपैथिक तरीका इलाज पर भी अपना कमांड हो कमांड होनी चाहिए ठीक है ताकि वो आपस में इश्तराक पैदा करें मिलजुल के काम करें क्योंकि नस्ल इंसानी की सेहत बका के लिए तमाम मॉलेज का इतिहाद जरूरी है मैं हमेशा ये बात उनका इतिहाद बहुत ज़रूरी है लेग पोलिंग करना एक बैग पाइटिंग करना एक दूसरे के तरीका इलाज को गलत फरसदा करार देना ये जहालत है बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक है क्योंकि तब्बे नबी जो है नबी की जो तिब थी आपने जो कुछ दुनिया को दिया है एक मुकम्मल निजाम दिया है मुकम्मल सिस्टम दिया है मुकम्मल पैगाम दिया है ऐसा ही है हम उसको फॉलो करें और उससे आगे चले हुँ, हुँ। तो मैं समझता हूं कि हम बहुत बड़ी خدمت करेंगे इंसानों की ऐसा ही है और दिल जो है वो अगर शायरी शायर हजरत ने भी दिल पर बहुत कुछ कहा जी, जी, समझे ना तो इस तरह जो है मैं समझता हूँ मौजू है बिल्कुल ठीक है जिसम का अहम हिस्सा है और ये ऐसी मोटर है कि जो चलते रहे तो जिंदगी है हयात है बका है बिल्कुल ठीक है हमारे पास जो अद्वियात है उस जरूर, इसका उसमें जरूर भी उसमें मैं जिक्र करता हूँ ये हमारा जो है ये अस्करी हार्ट है जी जी यह अस्क्री हार्ट जो है ये दिल की शरियानों को खोलता है बिल्कुल ठीक है और फिर खास तौर तो पर पंप जो है यानी दौरान खून को पंप करता है पूरी बॉडी के लिए था, दिल है। को मजबूत कर देता है बहुत अच्छी बात जिससे पूरी बॉडी में है जो है पूरी पंप खून जो है पहुंचता है और बारीक बारीक शरियानों तक पहुंच जाता है ये खून को पतला भी करता है बिल्कुल और ये सिर्फ ये एक रात में एक कैप्सूल ये के सो जाए तो सुबह इतना फ्रेश उठता है आदमी सारा दिन फ्रेश रहता है बिल्कुल ठीक है इसी तरह हमारी कुछ अद्वियात हैं जो हम ये समझते हैं कि ये किस्क्री ग्रीन जो है ये भी दिल के अमराज के लिए भी है इसमें बाईस हज़ार फाइटो न्यूट्रिशन हैं इसमें जवहारत हैं मादनियात हैं इसमें कैल्शियम्स हैं मशरूम है, है, ए, है और यानी एक सौ इकतालीस कंपोनेंट हैं ये दुनिया का मैं समझता हूँ कि इस वक्त बेहतरीन फूड सप्लीमेंट फूड सप्लीमेंट है बिल्कुल ठीक है

भाई उम्र आपकी वालदा की क्या होगी और ये मसला कब से है मेरे भाई टीवी की आवाज बंद करके अगर बात करेंगे तो बात हो सकेगी आप टीवी से सुनने की कोशिश कर रहे हैं इस वजह से बात नहीं हो पा रही टीवी की आवाज बंद करें हाँ अब अब आप, आप, आप बताइए जो डॉक्टर साहब आपसे सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए अब बेटा मैं पूछ रहा हूँ क्या कितना अरसे से ये मसला लाक है आवाज अच्छा वो पूछ रहा है कब से ये मर्ज कब से है वालदा को ये तकरीबन 8 8-10 दिन हो गए सात आठ दिन हो गए ठीक है अच्छा ठीक ठीक है बहुत शुक्रिया अभी जवाब हैं। देते हैं टीवी के ऊपर आप जवाब सुनिए जी अच्छा मैंने अभी जो बताया तीन को चाहिए कि जौ का दलिया इस्तेमाल करें पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखें और फल फ्रूट सब्जियां ज्यादा खाएं फिर वालदा को ये बैंक नुस्खा बताता हूँ अच्छा वही बता रहे हैं शायद कॉन्ट्रैक्शन भी हो रही है इस तरफ जो है ना वो महसूस होना शुरू हो गई है उनको जी तो ऐसी में ये हमारा स्क्री हार्ट मंगवा लें तबाव नुस्खा मंगवाएं जी और ये तकरीबन एक से दो महीने इस्तेमाल करें ठीक है इनका सारे मामला ठीक हो जाएंगे बिल्कुल और वैसे इनको बता देता हूँ कि लहसुन अदरक पुदीना और इसका इस्तेमाल ज़्यादा रखें ठीक है सेब का सरका ये है शहद है बिल्कुल ठीक है इसको इसको दिन में दो तीन मरतबा इस्तेमाल करें खाली पेट उससे काफी तबीयत बेहतर हो जाएगी बिल्कुल ठीक है और वॉक करवाएं सांस लंबे लंबे लें बिल्कुल ठीक तो है इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ आएंगे परहेज के बारे में बता दें जो, जो, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है ठीक है आप वो नंबर भी स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं जो हमारे भाई लाहौर से कॉल कर रहे थे वो स्क्रीन के ऊपर जो डिटेल्स हैं वो आपको ऊपर मिल जाएंगी आप ये डायरेक्ट नंबर्स हैं डॉक्टर साहब के जिसके ऊपर आप कॉल करेंगे तो आपको मजीदी जो इससे मुतल चीज़ें वो बताती जाएंगी लेकिन परहेज इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है जैसा भी डॉक्टर साहब ने इसके ऊपर जोर दिया है चिकनाई से चिकनाई, खास चिकनाई भार से भार खास तौर पर आपका परहेज होगा ये बड़े का गोश्त वगैरह इसको जी, भी अवॉइड के लिए हमेशा बताते बताएगा ये चीज़ें जो है वो अवॉइड करनी है आपने और बाकी ये जैसा भी जो चीज़ों आपको बताई जा रही है जिन चीज़ों का इस्तेमाल वो आपने ज़्यादा रखना है और फिर आप हमें ज़रूर बताइएगा फीडबैक दीजिएगा कि कितना अफाक आपको हुआ है और ये अद्वियात ये जो मिले मिलने का तरीका है ये जब आप इनसे रब्ता करेंगे ऊपर दिए गए नंबर्स पे तो ये आपको बता देंगे कि किस तरह ये आपको डिलीवर की जाएगी बहुत शुक्रिया आपने हमें लाहौर से कॉल की और आज बात हो रही है कुछ दिल की बीमारियों के हवाले से और जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं वो नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर जो स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर हैं उस पर कॉल करके बरह रास्त प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अपने सवाल जो है वो भेज सकते हैं तो ये सिलसिला जारी है जी डॉक्टर साहब एक सबसे मुश्किल मरहला जो होता है वो मरीज़ को परहेज़ करवाना होता है परहेज़ की तरफ लाना होता है और क्योंकि हमारा जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो ऐसा है ना हमारे उठने का पता है ना सोने का पता ना खुराक का हमें पता कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं ये बड़ी एक तकलीफ दे चीज है जिसको देखकर बड़ा होता है कि लोग इसको तब्दील जो है, है मैं इस बताता हूँ नाजरीन के लिए जी, जी, के जी, रात के ग्यारह बजे से लेकर और तीन बजे तक बिल्कुल ठीक ये ऐसा टाइम होता है कि जो आपकी बॉडी के एंजाइम्स पूरे होते हैं हुँ, हुँ, आपकी बॉडी की मेंटेनेंस हो रही होती है टूट फूट जो दर होती है उसको रिपेयर किया जाता है आपके सिस्टम को एक्यूरेट होता है अपडेट होता है ठीक है अपडेट होता है ऐसे ही समझे ना और इसको आप रात 11 से लेकर 3 बजे यानी तहजद टाइम तक जी बिल्कुल ऐसा ही वो आपका निज़ाम जो है वो आप टाइमिंग पे रखें जी और 11 से 3 बजे तक लाजमी सोएं बिल्कुल ठीक है उसके बाद बेशक आप 24 घंटे काम करते रहें आप थीक एक्टिव है? रहेंगे ऐसा ही है और निज़ाम आपका बेहतर रहेगा दिल के अमराज में कुछ मामला ऐसे हैं मैं जो बताता हूँ लोग बड़े लापरवाह हैं मोबाइल 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 आपकी जेब जो है अमूमन उल्टे से रखते होती, होती, होती है, है सही। और दिल के ऊपर होती है वो लोग मोबाइल अक्सर जो है दिल के ऊपर रखकर यहाँ जेब में रखते हैं बिल्कुल है सही। और उससे हार्ट बीट बड़ी हमारी डिस्टर्ब हो जाती है उससे जो खासतौर पे हमारी रेस निकलती है दिल की शरीयों पर बड़ा इफेक्ट करती है बिल्कुल मैंने लास्ट टाइम पिछले प्रोग्राम में के बाद कैंसर जो है उसमें बड़ा ताल्लुक है आपके मोबाइल मोबाइल फोन का ऐसा ही है और ये हमारी ब्रेन ब्लॉकेज जब सुनते हैं तो कान से ब्रेन की तरफ जाती है ब्रेन ब्लॉकेज का भी ताल्लुक है इससे इसको बोलते समाज से भी होता है, है। आपकी नज़र भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और जॉब पर अक्सर जो है लोग कहते हैं कि हमारे हम पान सिगरेट तम्बाकू नहीं इस्तेमाल करते तो हमें कैंसर कैंसर कैसे हो गया कैसे हो गया जो है गर्दन का जो टॉन्सल होता है वो कैंसर कहलाता है हुँ, हुँ, वो भी अक्सर लोगों को इसी होता है घंटों करता है कि आपको सिर्फ अपनी जरूरिया पूरी करें पूरी करनी बिल्कुल ऐसा ही है समझा बिल्कुल ठीक है ना कि आप उसको जो है या ऐसे गैर जरूरी मकसद का बहुत मतलब ज्यादा लोगों के लिए मेमोरी लॉस हो जाती है तो

बोर्ड लगे हुए हैं बिल बोर्ड लगे हुए हैं है, वो इमारतों से उतरती है जी। आज मैं आते हुए बिल्डिंग्स पर बिल बोर्ड लगे हुए हैं कोई अमल है। दरामद नहीं हो रहा अच्छा। अब उसकी वजुहत क्या हो जी है? जी कि आ, इंसानों की जो बिल्डिंग्स हैं उसमें आगे बिल बोर्ड लगे हुए पीछे रहाइश हो रही है ना साफ हवा आ रही है ना साफ क्या बात ना धूप पहुंच रही है उन्हें और उन्हें सजा मिल रही है ऐसा ही है डॉक्टर साहब कॉलर को शामिल करते हैं फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट मौजूद है जिसके ऊपर अभी गुफ्तु हमारी जा रही है असल कौन और कहां से बात कर रहे हैं टीवी की आवाज बंद कर दें मेरे भाई जी आप बिल्कुल बिल्कुल आपसे बात करते हैं पहले टीवी की आवाज बंद करें उसके बाद फिर बात करते हैं जी फरमाइए क्या कहना चाहेंगे सर आज ये है कि मैंने बाईपास कराया था जी जी तो अभी मुझे बाएं तरफ जो आ, है है वो रात को दर्द होता ठीक है ठीक है तो ये कर लीजिए किस वजह से या मेडिसिन भी ले रहा हूँ अच्छा ठीक है कितना अर्सा हो गया बाईपास कराए हुए आपको आज एक साल हो गया साल पूरा हो, तो हो गया क्या है अच्छा उम्र कितनी है भाई आपकी 65 आपकी उम्र है अच्छा जी चले अभी जी। आपको जवाब देते हैं राजा अमजद साहब इस्लामाबाद से कॉल कर रहे थे जी जी र, राजा साहब को मैं एक बात बताता हूँ कि दिल के ऑपरेशन के बाद ये ना समझा जाए कि आप को मजीद दोबारा कभी दिल का मतलब नहीं आर हो सकता नहीं होगा ठीक है, है, आप जो मैंने हदायत दी हैं राजा साहब उस पर अमल करें और दूसरी बात यह है कि हम जो दिल का ऑपरेशन होने के बाद भी हुँ, हुँ. हमारी अद्वियात जो है दिल के मामले को और बेहतर कर जाती है ठीक है और फिर कुछ अर्से में ऐसा होता है कि दिल की बीमारियों के हवाले से जो अद्वियात दी जाती है जी, जी। जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जनाब आप ये दिल का ऑपरेशन तो हो गया हुँ, मगर हुँ. दवा अपने सारी जिंदगी खानी है तो फिर ऑपरेशन की जरूरत क्या थी जरूरत क्या थी अगर दवा ही खानी थी अच्छा इस केस में भी मेरे यही समझ में आ रहा है कि ये क्योंकि अंदर से वीक हो गए हैं वो जाहिर है कि इनके अंदर अब इतनी एनर्जी नहीं है जिसकी वजह से यह प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो पे ज़्यादा देर नहीं रुके दौरान खून बेहतर रखने के जी, लिए समझियो हम वो हमें जो हम दो तीन चार महीने तक ये अद्वियात देते हैं ठीक है उसके बाद दिल नॉर्मल हो जाता है आदमी जो है वो भागता नॉर्मल लाइफ में आ जाता है ठीक है जो ये इनको को राजसभा को कौन कि ये हमसे ये कोर्स मंगवा ले और दो तीन महीने इस्तेमाल बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह सब चीज़ नॉर्मल हो बिल्कुल ठीक है जी अस्सलाम वालेकुम कॉर्नर कहां से बात कर रहे हैं जी मैं फजलुल्लाह बात कर रहा हूं गुलिस्तान-ए-जौहर कराची से फरमाइए हां मैं मेरे 20 साल पहले बाईपास हुआ था अभी 1.5 साल

अच्छा, साल हो मैं आपको बताऊं कि मेरा क्लिनिक भी गुलिस्तानी जो एड्रेस चल, में चल रहा है आपका हुँ, हुँ। आप मेरे पास आ जाइए चेकअप करवाइए यकीन मानिए कि जो आपका प्रॉब्लम है इसमें मेरे पास जो लोग आ रहे हैं उसमें मल्टी प्रॉब्लम्स में है ठीक है और इसमें एक दवा जो है हमारी अस्करी ग्रीन है अस्करी ग्रीन एफ है फिश ऑयल जितनी प्रोडक्ट हैं ये आपको तमाम इमरा से न सिर्फ निजात दिला दे देगी हुँ, हुँ, आपका प्रोस्टेट नॉर्मल हो जाएगा आपका हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी लंग्स नॉर्मल हो जाएंगे आपकी पूरी बॉडी की मेंटेनेंस हो जाएगी बिल्कुल ठीक है आपको किसी भी जिंदा रहने के लिए दवाओं के मुसलसल खाने के लिए जरूरत, जरूरत नहीं, नहीं होगी कि सारी जिंदगी खाते दवाई दवाई हैं प्रोस्टेट के लिए अलग तीन से चार महीने तक का इलाज करें और जो है इंशाल्लाह शह जैसे अब आप करें हार्ट के लिए ये पूरा एक यानी गोलियों की होती है बिल्कुल सारी तीस चालीस गोलियाँ सुबह खा रही हैं दोपहर को खा रहे हैं परेशान हो गए देखिए चीज ये होती है कि अल्लाह ताला ने

आपकी उम्र क्या हाँ है उम्र कितनी माशाल्लाह मेरी जी, 37. थर्टी माशाल्लाह उम्र बिल्कुल कुछ नहीं है लेकिन ये अब चले आपको अभी बताते हैं इसके अलावा और कोई मसला है इसके अलावा जिगर का मसला आ रहा है और मेरे जो है ना तीन चार परसेंट गुर्दे वैसे काम कर का रहे है हाँ. तो जो है ना वो डॉक्टर को कह रहे कि इसका कोई हल नहीं है हुँ.

किसी गुर्दे के हवाले हुँ, से डायलिसिस डिपार्टमेंट उसमें सेंटर में जाएंगे जी जी लाइनें लगी होती हैं और है, है। इस कदर असल में बात यह है इसका ताल्लुक स्टराइज से है जी इसका ताल्लुक जो है एंटीबायोटिक्स से है हुँ, जो हुँ. कि आपके डायरेक्ट किडनी पर इफेक्ट करता है बिल्कुल ठीक है बात यह है।, है कि मैं खुद एमडी डॉक्टर भी रहा हूं और फिर मैंने मेडिसिन पे जो काम किया है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया है डॉक्टर्स को पढ़ाता रहा हूँ और उन्नीस साल मैंने वहाँ पे एजुकेट किया है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी स्टॉकटन यूनिवर्सिटी पैसिफिक यूनिवर्सिटी यूनिवर्सल लाइफ यूनिवर्सिटी इस तरह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में सात यूनिवर्सिटीज को एजुकेट बिल्कुल और उसका मकसद यही था कि अल्लाह तला ने जो इल्म दिया है वो लोगों तक उसका फैजिया ये गुर्दों का मामला है इनसे मैं ये कहता हूँ कि एक तो पानी का इस्तेमाल जो है अमूमन जो है डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि जी डायलिसिस का मामला है लिहाजा आप पानी का इस्तेमाल कब करें ठीक है मैं ये कहता हूँ कि आप जौ का दलिया इस्तेमाल करना शुरू कर दें जौ का पानी पिए और उसमें अगर शुगर नहीं है तो खजूर डालें बादाम डालकर उसको सुबह नाश्ते में अलर्टी शामिल करें और जौ का दलिया इस्तेमाल करें ठीक है दूसरी बात यह कि शुगर इसके लिए हमारे पास एक दवा है जो कि आपकी किडनी को नॉर्मल कर देगी ये कोर्स मंगवा लें आप डायलिसिस से बच जाएंगे आप नॉर्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह ठीक है जी तो इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी एक छोटी सी ब्रेक के लिए आ जा रहे हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफगू जा थी आपके मसाई के हवाले से बात हो रही थी और तौर पर आज का जो मौजू है वो दिल की बीमारियों के हवाले से बहुत सारी कॉल्स मौसू हो रही हैं लेकिन वक्त क्योंकि हमारे पास कम होता है तो कोशिश ये करें कि जब आप प्रोग्राम में कॉल करें मुख्तर और जामे गुफगू करें और अपना मसला बयान करें और जब भी आप कॉल करते हैं किसी भी टी वी प्रोग्राम में ना सिर्फ गुड मार्निंग कराची में बल्कि जिस भी प्रोग्राम में आप कॉल करें कोशिश ये किया करेंगे जिस फ़ोन से आप बात कर रहे हैं उसी के जरिए गुफ्तु कीजिए अगर आप टीवी के ऊपर सुनेंगे अगर आप अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे तो उसमें थोड़ी सी तखीर होती है वो फिर जो है वो बात आपसे ठीक तरह से नहीं हो पाती जिसकी वजह से बहुत सारी कॉल अभी भी हमें ड्रॉप करनी पड़ी हैं तो कॉल कीजिए प्रोग्राम के अंदर नीचे जो दिया गया नंबर है इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं और इसके ज़रिए आप प्रोग्राम में कॉल करके शामिल हो सकते हैं एक और कॉलर है जी असलम कौन और कहाँ से बात करें से बात बात जी, जी. मुझे अपने मियाँ के लिए पूछना है उनको ना दाना निकला है जी, जी. वो काफी है और वो ना पक जाता है, है वो कह रहे हैं जड़ों वाला कोई दाना है जी जी उसको इलाज लेकिन ना आराम नहीं है आराम ठीक तो आप ठीक. ठीक। कुछ बता सकते हैं इसका जवाब देते हैं बहुत शुक्रिया आपने कराची से कॉल की वो दाना एक जिसके बारे में बता रहे हैं जी, 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 नवासीर भी कहते हैं जुबान में और ये जड़ों वाला होता है वाकई हकीकत में हुँ, इसको ऑपरेट भी कोई लोग करवा लेते हैं ऑपरेशन के बाद भी ये दोबारा पैदा हो जाता है क्योंकि लोग बद करते हैं गोश्त का इस्तेमाल जब भी जब भी अंडा या गोश्त बड़ा गोश्त ज्यादा खाएंगे तो ये प्रॉब्लम इनको पैदा होगी मिर्च मसाले अचार चटनी वगैरह जो है वो कम अज कम इस्तेमाल करे और उनके लिए हमारे पास एक दवा है जो अस्करी ग्रीन एफ एम वो हमसे मंगवा लें दो तीन महीने इस्तेमाल करें ये फिस्ट कम हो जाएगा जाएगा बिल्कुल ठीक है और परहेज के लिए परहेज लेकिन इसमें शर्त भी है।, है ये आप आधा इलाज के बताओ आधा इलाज परहेज होता है और आधा दवाई आपको करते हैं आप ये ना समझें कि परहेज के बगैर जो है वो आपको मुकम्मल सेहत याब हो सकते हैं बिल्कुल ये आपने बड़ी अच्छी बात की है और इस चीज़ को जहन नशीन कर लें कि कोई भी इलाज तजवीज किया जा रहा है लेकिन उसमें जो पहली शर्त है वो ये कि आपने परहेज़ रखना है जैसे हमारी बहन अभी बता रही थी कि जो मसला है बहुत सारे लोगों को यकीन ये मसला होगा दरपेश लेकिन इसमें इलाज के लिए तो आपको दवा तजवीज़ कर दी गई है लेकिन जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा कि आप जब तक परहेज़ नहीं करेंगे मुकम्मल आपको शिफा नहीं मिलेगी तो इस चीज़ का आपने सबसे ज़्यादा एहतियात रखना है और बात हो रही थी दिल की बीमारियों के हवाले से तो दिल की बीमारियों में तो सबसे ज़्यादा है ही एहतियात जिसका भी आपने तस्करा किया जी और अच्छा अब ये कि जैसे अभी हमारे कॉलर लाहौर से जैसे बात कर रहे थे कि इतनी दवाएँ खा चुके हैं कि वो दवाएँ खाने की वजह से क़वत मुदाफ़त भी ख़त्म हो गई है कमज़ोरी भी हो गई है उसकी वजह से जिगर में भी गर्मी है और दीगर मसाइल हैं अच्छा कॉलर हैं एक कॉलर को पहले शाम कर देते हैं असल जी कुछ। वाले कुछ। श्यार। श्यार। कौन और कहाँ से बात, बात कर रहे हैं जी फरमाइए क्या कहना चाहेंगे तीस परसेंट बताया काम कर रहा है स्टैंड डालने के बाद भी ठीक है तो दवाइया चल रही है सुबह शाम ठीक है तो मैं स्कूल टीचर हूँ तो आज ये करना चाह रहा हूँ कोई अभी बताते हैं रशीद भाई उम्र माशाल्लाह कितनी आपकी पचपन अच्छा शुगर ब्लड प्रेशर का मसला है नहीं ना शुगर है ना ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर मेरा आम तो पे एक सौ तो दस सौ तो एक सौ तो दस बढ़ता ही नहीं ठीक है ठीक है बहुत 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 अच्छा है जनाब अभी आपको जवाब देते हैं बहुत शुक्रिया है आपने असल कौल में कौल रशीद साहब का मामला जो है बावजूद भी उनका दिल कमजोर है वो क्या जी है है जी है। काम का रहा। ठीक इसके है। लिए रशीद साहब यह है कि आप जो दवाएं खा रहे हैं वो तो आप इस्तेमाल करते रहे मैं, मैं है। उसको नहीं रोकूंगा लेकिन जब आपका आप मेरी दवाएं शुरू करेंगे और आपका दिल जो है हंड्रेड परसेंट काम शुरू कर देगा तो आपका खुद दिल चाहेगा कि आप ये दवाया ड्रॉप कर दें आपका दिल की शरियाने खुल जाएंगी दिल मजबूत हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से एक नौजवान की तरह काम शुरू कर ये आप हमारा अस्करी हार्ट है अस्करी ग्रीन है फिर है और फिर खासतौर पे मैं एक और बात बताता हूँ अक्सर लोगों का मर्ज़ जो है वजन ज्यादा हो जाने से भी होता है ये भी एक मसला है। बिल्कुल आप लोग वजन की तरफ ध्यान नहीं देते ऐसा ही है मेरे पास अक्सर लोग आते हैं कि जी हमारा हार्ट का मसला है किडनी का प्रॉब्लम है जोड़ों में या रीढ़ की हड्डी के मोरों में प्रॉब्लम आ गई है ये मसाइल हैं हमें तो हमें अब तो दिल की दवा भी खा रहे हैं जोड़ों की दर्द की भी खा रहे हैं और तमाम इमराज की खा रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल मैं कहता हूँ आपने वजन कम करने की दवा खाई या वजन कम करने की तरफ आप पाए कोशिश की नहीं जी ये तो नहीं हुआ मैंने कहा भाई सारे इमराज का इलाज यही है बिल्कुल ठीक आप है। वजन को नॉर्मल करें वॉक करें आप सैर करें वर्जिश वजिश मशक्कत वाली ज़िंदगी गुजारें और सरत नबी के मुताबिक जो है आप अमल करें उनकी ग़ा उनकी तवाम खुराक वो पाँच वक्त नमाज़ पढ़ें बिल्कुल आपको बहुत सारे इमराज जो है वो इसी में ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है अच्छा डॉक्टर लाहौर से बहुत सारे लोग हमारे भाई जो हैं वो कॉल्स करते हैं बहुत सारे मसाइल में इस वक्त जो घिरे हुए हैं और जो नुकसान हो रहे हैं जिसका भी हमने यहाँ पे तस्करा किया था जी जी, जी। जिस तरह का तरीका इलाज अडोप्ट किया हुआ है लोगों ने और जिस तरह ट्रीटमेंट मिल रही है उसकी वजह से बड़े नुकसान हो रहे हैं तो सवाल ये किया था ड्यूरिंग द ब्रेक कि क्या लाहौर में भी कोई मतब है या क्लिनिक अगर है तो उसका भी जरा तस्करा किया बिल्कुल मेरा ताल्लुक भी मेरी बाई बर्थ में लाहौर से जी जी बिल्कुल मेरे वाल हकीम सैयद ज़फ़र अस्करी जी लाहौर पानी वाला तालाब पे मतब करते रहे जी मेरे दादा उनका खिताब था हिंद हकीम सैयद मैम जफर याब अली जी।, जी आपका कश्मीरी बाजार में दवाखाना था जी। और टाइटल था हिंद सन उन्नीस सौ या सात में आप दिल्ली से लाहौर आए थे जी। हकीम अजमल खान के शागिर्दों में हैं और ए, मेरे यानी मेरे जो वालिद थे वो शहनशाह ईरान के मौलिश थे अफगानिस्तान के बादशाह जाहिर शाह के और शाहैन के शाह हुसैन के मौलिज रहे हैं मेरे दादा सात रियातों के मौलिश थे हिंद उनका खिताब था यानी स्कॉलर ऑफ इंडिया जी बिल्कुल बिल्कुल और उनको सात रियातों में मालिक कोटला रामपुर स्टेट लोहारू स्टेट खैरपुर मीरस सिंध की जो ख्या इसी तरीके से हैदराबाद दक्कन तो जूनागढ़ स्टेट के हमारे जो है मैं अभी भी नवाब जूनागढ़ का रॉयल जी, जी, तो इस तरह सात रियातें हिंदुस्तान की सात रियातें थी उनके बॉली से मेरे परदादा जी मसी हिंद हकीम सैयद महमूद अली दिलवी जी जी ये इनका यानी हिंदुस्तान का मसीहा का एक ख़ताब था बिल्कुल ठीक है और आपने मलका विक्टोरिया का इलाज किया था उस दौर में, में जॉर्ज षष्ठम का उनके वालिद का लंदन में जाके किया था डॉक्टर साहब एक कॉलर को शामिल करते हैं फिर वो तो जारी रखते हैं जी अस्सलाम वालेकुम सलाम जी मुझे पित्ताशय में पित्ताशय का अल्सर हुआ था कहां से बात कर रहे हैं भाई कराची से कराची कराची से बात कर आप फरमाइए क्या कहना चाहेंगे मुझे जी जी

अभी अभी आपको जवाब देते हैं जी ठीक है इनको कॉन्स्टिपेशन रहता है दोफा लग इसीलिए यूज़ करते हैं जी और जाबत इनको नॉर्मल हो रही जिसकी वजह से गैस्ट्रिक वगैरह होती है जी और निज़ाम हजम बेहतर नहीं है बिल्कुल अपनी गजा में जो है हल्की फुल्की गजा रखें और मैं एक आपको चटनी बताता हूँ वो चटनी इस्तेमाल कीजिए उसमें मोरिंगा यानी सोनला के पत्ते जी जी ये सौ ग्राम लीजिए सौ ग्राम पदीना और उसमें ज़ीरा एक चम्मच ज़ीरा सफ़ेद शामिल करें अनारदाना एक चम्मच और उसमें कलौजी आधा चम्मच शामिल करके आप नाश्ते में और दोपहर खाने में और रात खाने में इस्तेमाल करें दूध दही का इस्तेमाल ज़्यादा रखें और खाने के बाद जो है वॉक करें सैर करें और ये जरूर है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा ज़्यादा रखें लेकिन खाने खा ये नाजिन को मैं बताता हूँ कि नाजिन खाना खाने से कम अज़ कम आपको आधा घंटा पहले पेट भर के पानी पी लीजिए ठीक है उससे यह होगा कि पानी की जो मकदार जिसम को जरूरत होती है वो पूरी हो जाती है खाने के दौरान में एक आधा घूंट पीजिए या खाना खाने के बाद एक आधा घूंट पीजिए पानी का इस्तेमाल खाने के दौरान ना कीजिए खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पीजिए इससे बहुत सारे मसाइल आपके हल हो, 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 हो जाते हैं फिर इंसाब को ये की ये इनका चूंकि अल्सर का मसला रह चुका है ये मिर्च मसाले अचार चटनी वगैरह से परहेज करें ये तो परहेज रहा और कर, जो मामला हो मुझसे फोन पे भी डिस्कस करें नाजिम बहुत सारे फोन आते हैं अभी भी मेरा फोन बज रहा है जी, जी। और मैं समझता हूँ कि चार बजे के बाद जो है तीन से चार के दरमियान कॉल्स करें जिन्होंने मसाइल करने हैं बयान वो करें बिल्कुल ठीक है अच्छा बात यह है कि हम जिक्र कर रहे थे दो तीन चीजें निकल गई जी जी एक तो अभी मैं जो बात कर रहा था जी परहेज के हवाले से एक हम बात कर रहे थे और दूसरा ये कि जैसे अभी दिल की बीमारियों के हवाले से जो सवाल आता एक आप एक आपने सवाल किया था लाहौर का। लाहौर का।, लाहौर का लाहौर का जैसे जी हाँ मैं लाहौर, लाहौर जाता हूँ इंशाल्लाह अब ये कोरोना वगैरह की वजह से बड़ा हमारे हो गए मामला लाहौर जाता हूँ इस्लामाबाद में भी मरीज देखता था जाकर तो अब इंशाल्लाह दोबारा ये सिलसिला शुरू हो रहा है लाहौर और इस्लामाबाद का इस तरह आपका सेकेंड चीज़ ये है की मैंने कहा था कि जो हमने हमारी खिड़कियाँ और दरवाजे बंद हुए हुए हैं आपके बिल बोर्ड की वजह से जी 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 मैं चीफ जस्टिस साहब से कहता हूँ इस पर अमल दरामद करवाइए बिल्कुल करवाइये ये मैंने अभी आज भी, भी देखा कि कर्से के बाद बावजूद उन पर ये चीज़ें उनकी मर्जी से नहीं हो रही जो रहायशी हैं जी 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 समझे ना उनसे वहाँ के नहीं होता। या बिल्डर जो यूनियन वाले हैं वो बायदा तौर पर चंद पैसों के लिए उन पर उनकी जान पर जो है खेल जाते हैं खेल जाते हैं एक कॉलर को शामिल कर लें जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं साहब

ठीक है ब्लड प्रेशर की कोई दवाई इस्तेमाल कर रहे करें ठीक है ठीक है, है अभी अभी आपको बताते हैं शुगर कंट्रोल नहीं हो रही बहुत शुक्रिया आपने गुजरा वाला से कॉल की जी जी असल में लोगों का ये सवाल होता है कि क्या शुगर खत नॉर्मल हो जाता है मैं ये कहता हूँ कि सौ फीसद ठीक है मैंने हजारों मरीजों का इलाज किया है जिनका शुगर लेवल बड़ा हाई था और वो अब नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि एलोपैथिक में तो ये है जी, क्योंकि एलोपैथिक है सर्जरी में लेकिन अगर उससे पहले अगर एलोपैथिक हजरात जो है वो हर्बल साइंस की तरफ थोड़ा सा उनका रुझान हो जाए जो कि आजकल है क्योंकि कोरोना के हवाले से मैंने देखा है कि अस्सी फीसद डॉक्टर्स ने जो, जो जड़ी बूटियों से इलाज करना किया लिख रहे हैं और मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है यानी वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो हर्बल सिरप और हर्बल चीज़ों पर बात यह कुल्ले शरज अलासले ही हर चीज़ अपने असल और बरकस की तरफ आती है।, है।, है नेचर की तरफ लोग आ रहे हैं तो इस तरह ये जो शुगर का मामला है जिसमें हमारे पास जो अद्वियात हैं इसमें अस्करी ग्रीन है जो शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत जबरदस्त है इसी तरीके से हमारा है जो शुगर के मरीजों को हम देते हैं जो उसे शुगर से जो लोगों को कमजोरियां लाक हो जाती है वो खत्म हो जाती है ठीक है देखिए न्यूट्रिशंस क्या है हुँ, हुँ। जो है जी। वो आपको आधा इलाज करती है आप कोई मर्ज अगर कह दिया जाए कि ये दवा आप सारी जिंदगी खाते रहे तो आप बेचार परेशान हो जाएंगे है है। कि सारी जिंदगी खाऊंगा मैं ये दवा सारी जिंदगी खर्चा करता रहूंगा अच्छा स्टार्ट में शुगर की दवा होती है उसके बाद फिर ब्लड प्रेशर हो जाना शुरू हो जाता है उसके बाद हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, है, है। और यूं मर्ज बढ़ता जाला जाता है जो दवा की बिल्कुल आप मुस्तकिल तरीका इलाज जो है ये हमारे पास मौजूद है शुगर हल्ड तीन ती, दो से तीन महीने आप खाएं शुगर आपका नॉर्मल हो जाएगा और आपकी तमाम प्रॉब्लम जो शुगर की वजह से हैं जो हड्डियां भुर भर जाती हैं जी जी कमज़ोर हो जाती हैं जोड़ों में प्रॉब्लम आ जाती है इवन के ये पूरी बॉडी की मेंटेनेंस करके आपको पहले की तरह मजबूत जवान और आपको ताकतवर बना देती है बहुत अच्छी बात है चले जी आज क्योंकि हमारा सेगमेंट यहाँ पर यह मुकम्मल होता है और अगर आपके पास मजीद सवाल आते हैं जैसे हमारे भाई जो गुजराव वाला से अर्शे साहब जो कॉल कर रहे थे ये जो नंबर्स अभी ऊपर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं एक दफ़ा और आपको दिखा देते हैं तो ये नंबर आप नोट कर लें और मजीद अगर आपको जानना चाहते हैं अद्वियात वगैरह के हवाले से जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो ये आपको डिलीवर कर दी जाएंगी इनका इस्तेमाल करके आप देखिए परहेज़ के बारे में जैसा भी तस्करा हुआ है इसका अपने खास तौर पर ख्याल रखना है और इनशाला इससे आपको मदद मिलेगी जैसा आप बता रहे थे कि जो आपकी वाइफ हैं उनकी जो शुगर है वो कंट्रोल नहीं हो रही कंट्रोल भी होगी इन शाला और उसके बाद फिर आप हमें बताइएगा भी कि इससे कितना आपको फाका हुआ और अगर मजीद कोई ऐसे मसाइल हैं जो इस वक्त प्रोग्राम में आप नहीं जिसको डिस्कस कर सकते तो वो इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके जो है आप डॉक्टर साहब से जो है वो बराह रास्त ख़ुद भी बात कर सकते हैं रब्ता भी कर सकते हैं वो नंबर सारे अवेलेबल हैं और जो कराची में जो खासतौर पर रहने वाले हैं उनके लिए तो ये एड्रेस भी यहाँ पर चल रहा है इधर जाके क्लिनिक के ऊपर आप जो so तो है वो यू सो वेरी मच डॉक्टर अच्छा एक दूसरे बात जी जी ये जी, बताता चलो तू ये दवाइयाँ हमारी मार्केट में नहीं मिलती हाँ ये आपने अच्छा किया ये हमें कुरियर के जरिए हम आपको भेज सकते हैं ये सिर्फ हमारी अदयात जो है हमारे क्लिनिक पर ही मौजूद होती हैं तो ना अपने व्हाट्सएप पर अपनी रिपोर्ट भेजे और फिर इनशाला आपको रिकमेंड कर दी जाएगी दुवाता ये भी एक आसान ज़रिया है कि आजकल जो है व्हाट्सअप के जरिए रिपोर्ट्स आप भेज सकते हैं और उसके जरिए फिर आपको जितनी भी अद्वियात हैं वो आपको भेजी जाएंगी और ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है याद रखें कि अगर इसी ब्रांडिंग के साथ या नाम के साथ अगर कोई बाजार में आप कोई दवाई खरीदते हैं तो कतई जो है वो डॉक्टर साहब की जो है वो प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि मार्केट में दस्याब नहीं है बहुत शुक्रिया थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब आपने हमें वक्त दिया प्रोफेसर डॉक्टर अस्करी साहब हमारे साथ यहाँ पे तशीफ फर्मा थे और सवाल उसारे हैं इन जब अगले हफ़े हमारी नशस्त होगी उसमें और भी मामलाते हैं जिसके पर हम गुप्त करेंगे खास तौर पर जैसे गुर्दे के अमराज के हवाले से अभी एक भाई हमारे बता रहे थे तो एक पूरा डेडिकेट सेगमेंट होगा जिसमें इसके हाले से हम गुतु करेंगे एक ब्रेक की तरफ हमने जाना है ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दूसरा सेगमेंट हमारा शुरू होगा मुख्तलिफ मामला पर गुफू हो आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मार्निंग प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे ब्रेक पर जाने से पहले गफ्तु का सिलसिला जारी था आपकी बीमारियों के हवाले से आ, बात हो रही थी ख़ास तौर पर दिल के अमराज़ पर आज आ, बड़ी तफस से गुफ्तू हुई है बहुत सारे आपके पैगाम मौसू हुए और कोशिश होगी इन श्ला जो अगली नशस्त होगी उसमें फिर उन सवालों को शामिल किया जाएगा और इसके हवाले से ज़रूर हम जो है वो बात करेंगे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है जिसकी तरफ हमारी निशानदेही करवाई गई है और बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि इस मौजू के ऊपर बात करें बड़ा हसास मौजू है मुख्तलिफ़ मसाइल की निशानदही आप जो देखने वाले हैं उनकी जानब से की जाती है एक हमारे देखने वाले उन्होंने पिछले दिन एक बड़े अहम मसले की तरफ हमारी जो तोज्जो दिलवाई और खुशकस्मती से एक हमारे ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जिस हवाले से काम भी कर रहा है ये मामला कुछ ऐसा है कि जो कुरान करीम के जो औरक हैं आ, ये कुछ हमने देखा कि जिस तरह के रद्दी वगैरह के जिस तरह हम देखते हैं कि तरसील होती है उसमें से ये औराक जो हैं, वो बरामद हो रहे हैं और फिर मुख्तलिफ़ जगहों से ये बरामद हुए हैं आ, और बड़ी तकलीफ दे और बड़ी अफसोसनाक बात है कि जो मुक़दस किताब है इसके जो औराक है ये कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं ये अभी इस बारे में आपको बताएँगे और कोशिश तो हमने इसके ऊपर की एक रिपोर्ट भी हमने बनाई थी लेकिन वो दिखाने की क्योंकि इसलिए हिम्मत नहीं है कि मुकदस औराक की जिस तरह बेमती हो रही है इसको दिखाया जाए लेकिन इसको कैसे रोकना है और ये ग़लती अगर हमसे हो रही है तो इसकी वजह क्या है दानिस्त नादानिस्त यकी दानिस्त तो कोई भी ये शख्स नहीं कर रहा लेकिन नादानिस्ता भी अगर हो रही है तो इस सिलसिले को हमें रोकना होगा इस मसले की तरफ तोजो दिलवाई गई है इसी हवाले से आज हम प्रोग्राम में गुतगू करेंगे बड़े ख़ास मेहमान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारफ़ भी आपसे मैं करवाऊँगा और फिर हमारी उनसे बातों की इस हवाले से अकीलोर रहमान कमाली साहब हैं चेयरमैन कमाली खिदमतगार वेलफेयर के उन्हें मैं खुश आंदेद कहूँगा आ, उनके हमारा मुलाजिम हुसैन सुल्तानी साहब नाथखा हमारे बड़े अच्छे हैं दोस्त वो तशीफ़ फरमा उनको भी मैं इस गुड मॉर्निंग कराची के प्रोग्राम को शाम देखाऊँगा बहुत शुक्रिया आपका दोनों मेहमानों का अखिल साहब ये बताइएगा कि ये जैसा अभी मैंने तारफ़ में बताया है कि ये कुरान करीम के जो औरक हैं मुक़दस ये मुख्तफ़ जगहों से रद्दी में से और इसमें से बरामद हो रहे हैं और बड़ी तादाद में हमने ख़ुद भी देखा दो तीन दफ़ा इस बारे में हमें बताया गया के मुख्तलिफ जगहों पर कराची में इस तरह जो है इसको तर, तरसील जब होती है रद्दी की तो वहाँ से ये जो है बरामद हो रहे हैं और बेहरमती हो रही है ये क्या सिलसिला है और आपके पास जो आपने इसको जोड़ने का सिलसिला शुरू किया ये कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए मोहतरम रद्दी का तो एक, एक बात दूसरी है जी, जी, ये जी. मुकदस और शहीद कुर पाक कराची भर के तकरीब हर कब्रस्तान की ये कहानी है और कुछ कब्रिस्तान तो ऐसे हैं जहाँ पर हज़ारों की तादाद में कुरान पाक जलाए जा चुके हैं और तकरीबन है। डेली के बुनियाद पर जलाए जाते हैं हम तकरीबन पिछले पाँच साल से ही वर्क कर रहे हैं कुरान कुरान पाक के ऊपर वर्क हमारा है और जिस कब्रिस्तान में भी सर्वे होता है या वर्क होता है हमारा तो उस कब्रिस्तान में हमें ऐसे हालात मतलब नज़र आते हैं जो बयान से बाहर हैं इतना तकलीफ़ दे मरला है इतना तकलीफ दे मरला है कि अगर शहीद क़ुर पाक या मुक़दस औराक जी जिसमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसम का नाम पाक हो जिन औराक में और साहब कराम के नाम हो उन औरक के अंदर पैम्पर्स तक पड़े हुए हैं है। तो ये अलमिया है इस पर तो बात होनी चाहिए और इस पर कोई ऐसी पॉलिसी कोई अमल दरामद होना चाहिए मगर बदकिस्मती से इस पर कोई बात नहीं हो रही नहीं हो रही कुछ जगहों पर हमने देखा कि ड्रेन्स वगैरह चौक थी जबान साथ नहीं देती वहाँ से भी ये बरामद हो रहे हैं जो शहीद है। नुस्खे हैं लोग ज़ाया कर देते हैं और उनको नहीं पता कि इसको कैसे ज़ाया करना है अब येमा कराम से इस बारे में बात बात हो चुकी है मुख्तलिफ इसके ऊपर राय है लोग ये समझते हैं कि अगर कुछ औरक अगर ऐसे हैं कि शहीद हो जाते हैं उनको जला दिया जाता है अब वो कुछ चीजें जल जाती हैं उसमें कुछ नहीं जल पाती है, तो वो हवा में मोलक हो जाती है और फिर वो कचरे की नालियों में जाकर कैसे इस सिलसिले को रोका जाए इस सिलसिले को रोकने के लिए तो सबसे अहम किरदार ये हो सकता है कि जो हमारी मसाजिद हैं जी चाहे वो किसी भी मसलक से हों किसी भी मतलब फिरके के मानने वालों की हूँ बिल्कुल अगर वो उन मसाजिद में शहीद खाने बनवाए जाए और नित आलीशान शहीद खाने होने चाहिए क्योंकि एक बात कुरान पाक की है अब एक मस्जिद पर हमने करोड़ों रुपए लगा दिए तो उस मस्जिद के अंदर शहीद कुरान पाक रखने की कोई जगह ही नहीं है बिल्कुल ऐसा ही है तो अगर ये थोड़ा सा ये मसाजिद के लोग मतलब मस्ाजिद कमेटी और उल्मा कराम जो वहाँ पर आयम कराम होते हैं उल्मा कराम होते हैं तो उन अगर उनकी थोड़ी सी हो जाए इसके ऊपर जब करोड़ों रुपए लगाकर एक मस्जिद हमने तामीर की है अल्लाह के घर को हमने बनाया है तो इस अल्लाह के घर में अल्लाह के कलाम को भी तो जगह मिलनी चाहिए महफूज रखने के लिए इंतजाम होना कोई चाहिए ऐसा कोई ऐसे रेक बने बनाए जाए और शहीद खाना के अंदर के दर्जा बंदी से रखे जाए कि जैसे कि कुरान पाक सबसे ऊपर वाले रेक में होना चाहिए ठीक है और उसके निचले दर्जे में निचले रैक में आदि मुबारक हूँ फिर उसके नीचे कराम की जो तसानी होती है, होती है वो होनी चाहिए तो है। अगर इस तरह का ये सिलसिला हो जाए तो बहुत आसानी हो सकती है फिर जो इदारे इस पे काम कर रहे हैं मुकदसराख पर इदारे जो काम कर रहे हैं जैसे कि हमारा इदारा है कमाली खदमत गारे ये इदारा मुसलसल अल्लाह की रहमत से इस काम में लगा हुआ है ठीक है तो आप हमें हमसे रहा कर लें आपकी मस्जिद में जहाँ कहीं भी आप रहते हैं मस्जिद कहीं पर भी है कराची भर में कहीं भी तो इनशाला आप हमसे रबे करेंगे हम आपसे आकर वो औरक ले लेंगे तो जब ये औरक इस तरह से संभाल लिए जाएंगे तो बेरोमी का तो कोई सिलसिला हो।, हो ही नहीं, नहीं सकता हो कि... सकता बिल्कुल ठीक है अब ये इस चीज़ का ख्याल आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि नहीं रखा जाता खासतौर पर जहाँ मदारस वगैरह में बड़ी तादाद में क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं जेर तालीम और फिर उसमें जो कुछ ऐसे होती हैं जो नायाब किताबें होती हैं कला लाही के अलावा भी बहुत सारे ऐसी ऐसे किताबें होती हैं जिनको शायद वो नहीं समझा जाता वो किसी एक जगह डिस्पोज करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर आपको पता है कि वो अपने तरीके से तो सही तरह डिस्पोज करते हैं लेकिन आगे जिस तरह वो रिसाइकिल हो जाती है वो बड़ी खतरनाक है अब इसमें यह है कि इसका तो गुना तो सबके ऊपर आए कि जो लोग जिस तरह कर रहे हैं उनको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल हो जाए या कहीं इस तरह इसको जो है वो बहा दिया जाए या ज़ाया कर दिया जाए अब ये बहाने का भी सिलसिला है क्योंकि हमने एक सर्वे किया उसमें हमें ये पता चला कि समंदर के अंदर बीच समंदर में जब हम गए गहरे समंदर में तो वहाँ से भी बहुत सारे मुकदस जो है वो बरामद होना जाते हैं समंदर पर आ जाते हैं ये क्या तरीका है ये ये तो समंदर में डालना तो फिर मतलब गलत ही है जी क्योंकि वो लहरों से जब वापस आ जाएंगे साले समंदर पे तो वही बेरूमती होगी बिल्कुल सही है तो हम हम हमारा सिलसिला तो ये है कि जो मुकदस सहीफे हम जमा कर लेते हैं उनको जमा करने के बाद हम तमाम जो, जो बोरियाँ बनाते हैं इसकी उन बोरियों को हम छांटी करते हैं बिल्कुल ठीक है कि जो शहीद और वो एक तरफ कर लेते हैं और इस्लामी किताबें या सही हालत में जो कुरान पाक होते हैं उनको हम अलहदा रख लेते हैं तो वो जो शहीद और आग होते हैं उनको हम कुएं में डाल देते हैं ठीक है वो एक तरफ हो जाते हैं और जो इस्लामी किताबें बचती हैं हमारे पास जो सही हालत में होती हैं या कुरान पाक होते हैं तो वो आगे हम दूसरे मुसलमानों को फिर सभी दे देते हैं तकसीम कर देते हैं।, हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और अगर आपके पास भी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं ख़ास तौर पर अगर इस तरह के अगर कलाम मिली का अगर कोई आपके पास नुस्खा है या बड़ी तादाद में अगर आपके पास मौजूद हैं क्योंकि वो लोग पारो के जो सेट हैं वो भी रखते हैं अगर वो भी अगर आप समझते हैं कि अगर वो ख़स्ता हालत हैं और आप तो आप उनसे रबता कर सकते हैं और इनको दे भी सकते हैं ये कंपाइल कैसे करते हैं क्या इसमें सिलसिला क्या है आप ये मैं चाहूँगा ज़रा बताइए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें कि आपने तो उनमें से बहुत सारे नुस्खों को कंपाइल भी कर लिया और वो मुकम्मल भी हो गए सही हालत में बहाल भी हो गए तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर वो रिस्टोर कर लिए जाएँ तो किसी के काम आ सकते हैं ये ज़रा बताइए कैसे शुरू हुआ सिलसिला ये जो हम हमें सही किताबें मिलती हैं या कुरान पाक मिलते हैं हुँ तो हुँ इनको हम जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि फीस सबीला तकसीम कर दिए जाते हैं और एक मैंने ये सोचा था कि क़ुरान पाक अगर कैदियों में दे दिए जाएं बहुत अच्छी बात है तो हम तकरीबन हमारा इदारा अब तक साढ़े तीन हज़ार कुरान पाक मुख्तलिफ़ जेलों में तकसीम कर तकसीम कर चुका है हत्या के हम अभी पिछले दिनों लाड़काना जेल भी गए थे जी, जी। यहाँ से तकरीबन पूरी एक रात का सफ़र था वो हमने अल्लाह के रहमत से तय किया और फिर 500 सौ कुरने पाक माँ कैदियों में तकसीम कर माशा माशा और इस्लामी किताबें भी हजारों की तादाद में हम तकसीम कर चुके हैं मुसलमानों को दे चुके हैं और अभी भी हमारे पास मौजूद है अगर किसी को कुरने पाक चाहिए या सिपारों के सैट चाहिए या इस्लामी किताबें चाहिए तो इनशाला वो हमसे रबता करें हम इनश् उसको फीस मुहैया कर सकते हैं ये बड़ी अच्छी बात है अल्लाह आपको जजाय खैर दे आ, कि अगर कोई शख्स ऐसा है या कोई मदरसा या कोई इस तरह की मसाजिद में अगर कहीं पर इंतजाम नहीं है तो इनके पास मौजूद हैं ऐसे बहुत सारे नुस्खे भी मौजूद हैं इस्लामी किताबों का भी जैसे अभी बता रहे थे अकील साहब कि ये मुहैया कर सकते हैं तो बड़ी तादाद में इस तरह नुस्खे जो आपके पास आते होंगे और यकीनन पाकिस्तान से बाहर भी जो लोग देख रहे हैं वो भी दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि वहाँ इतनी आसानी से दस्याब नहीं होता खासतौर में वेस्ट में जब बहुत थोड़ी ऐसी जगह है तो लोग यहाँ से मंगवाते हैं तो क्या ऐसा भी सिलसिला है कि पाकिस्तान से अगर कोई मंगवाना चाहे तो उस तक हध्या कर देते हैं अभी तक तो मतलब किसी को दिया नहीं है अगर कोई मांगे तो उसको तलब करेगा तो इनशाला कोई ना कोई रास्ता बनाया जाएगा बिल्कुल ठीक है अच्छा जी अब ये मरहला कैसे मुकम्मल होता है इसमें फिर तरतीब देना और फिर औराक को एक जगह करना जमा करना उसमें से कुछ ऐसे औराक होते हैं जो मुकम्मल तौर पर जो है वो जाया हो जाते हैं कुछ में कुछ बाकी रह जाते हैं उनको जोड़ कर ये मुकम्मल एक पूरा नुस्खा आपने तरतीब दिया हुआ है ये कैसे मुमकिन होता है कैसे कम्पाइल करते हैं इसके लिए तो बड़ी नज़र चाहिए और इल्मने वाला शख्स चाहिए कि वो तमाम चीज़ों को समझता हो फिर उनको कम्पाइल कर सकता है ये कैसे हुआ है बस ये हमारा जो मरकज़ कुरान है इसमें हमारे साथ तकरीबा बीस से बाईस लोग हैं जी। जो इस वर्क से मुंसलिक हैं ठीक है और सब तकरीबन कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो तनख्वाह पाने वाला हो ठीक है सब फीस अभी पाक की रजा के लिए वो ये काम हमारे साथ कर रहे हैं और तमाम लोग ऐसे ही हैं जो मतलब मुलाजिम पेशा लोग हैं लेकिन हमारा वर्क स्पेशली तौर पे होता है इतवार वाले दिन जी संडे को हमारा वर्क होता है ताकि जो लोग भी मुलाजम पेशा है या कोई मतलब कोई भी काम करते हैं ऐसा कराना तो, हाँ, तो इतवार को हमारे साथ इस कार्य खैर में शामिल हो जाए तो हम अपने कुरान मरकज पर ये सारे जितना भी हम औरक इकट्ठा करते हैं उसको फिर जैसा मैंने पहले बताया आपको छाँटी करते हैं छांटी करने के बाद जो सही हालत में होते हैं उनको निकाल लिया जाता है और अगर कुछ ऐसे कुरान करीम भी होते हैं जिन पर बाइंडिंग की जरूरत होती है तो वो हम उनको बाइंडिंग करवा लेते हैं ठीक इस तरह वो बिल्कुल महफूज हो जाता जी है हो हो जाते हैं और पढ़ने के काबिल है वो नुस्खा जाता बिल्कुल ठीक है अब ये बताइए एक और बड़ा मसला इसके ऊपर बड़ी देर से गुफ्तु हो रही है लेकिन इसका कोई मसले का हल अभी तक नहीं आया ये जो अखबारों की आशात होती है इसके अंदर कुरान करीम की बाजार का तो पूरी पूरी आदीस जो आयत मुबारक है उसकी नकल की जाती है आदीस मुबारक की उसमें नकल होती है अब वो सफ़े जो हैं वो आपको पता है अखबार जो हैं हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं वो हर काम के लिए ही अखबार इस्तेमाल हो रहा है रोटी खरीदने के लिए भी अगर आदमी जाता है तो उन्हीं अखबारों के जरिए बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया कि वो रोटी खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो का है मुबारक लिखी हुई होती हैं क्या किया जाए उनको कैसे फिर रोकते हैं और फिर उसको तो जो रद्दी की शक्ल में आते हैं तो बहुत बड़ी तादाद में आते होंगे उनको भी क्या देख रहे हैं जी हाँ बिल्कुल उनको भी देख रहे हैं मगर बात यह है कि इस पर तो इस मसले पर तमाम उम्मत को मुतफ़िक होना पड़ेगा और हर किसी को अपना किरदार अदा करना होगा है। अगर हम ये इल्जाम लगा दें किसी दिन पर तो ये गलत हो जाएगा ठीक है या अगर हम किसी कुरान पाक की खिदमत करने वाले इदारे पर अगर इल्जाम लगा दें तो ये गलत हो जाएगा ठीक है इस पर तमाम उम्मत को मुतफिक होना होगा और हर शख्स को हर फर्द को अपने अपने हिस्से काम करना होगा काम करना होगा ठीक है इसी तरह हो सकता है अब जैसा कि जंग अखबार है तकरीबन डेली की बुनियाद पर आठ लाख कापियां इसकी निकलती हैं जी जी अब वो आठ लाख कापियां कहाँ जाती हैं अब यकीन वो आप जैसे मुझ जैसे किसी शख्स के पास जाता है कोई ना कोई खरीदता है तो अब उसकी हिफाजत करना तो जाहिर बात है जिसने अखबार लिया है बिल्कुल ठीक है तो उसकी जिम्मेदारी तो उसी शख्स के ऊपर है बिल्कुल ऐसा ही अगर हम अखबार वाले से बात करते हैं तो वो कहता है कि हमने तो जो भी एशाद की है इसमें हादिस मुबारक है या कुरान करीम की कोई आयत यहाँ पर लिखी है हमने छापी है

मुक़दस महीने होते हैं उसमें जो हमारी खसूसी अशात होती हैं महरमल हराम में रबी अलवल का महीना हो माह मुबारक और रमज़ान मुबारक का महीना हो तो ये खसूसी अशात होती हैं उसके अंदर फिर इसके अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर खबरें भी इसी हवाले से दी जा। जाती हैं तो इसमें मुबारक भी होता है अल्ला रबुलज़त का नाम भी पाक उसके अंदर लिखा जाता है तो ये अब पढ़ने वों के ऊपर क़ारीन के ऊपर होता है कि उनकी जिम्मेदारी है को इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें वरना जिस जगहों से ये बरामद हो रहे हैं ख़ासतौर पर यह जो रद्दी वगैरह है इससे बड़ी बेदबी हो रही है और इसके बारे में बार बार बताया जा रहा है कब्रस्तानों का आपने तस्करा किया अब एक अलमिया ये है कि यहाँ पर अब तो पानाफ्लैक्सी हमने कुछ खुद जा देखा है कि शीट्स बनवा कर जिसके ऊपर कलाम में लिखा है आयत मुबार वो जाके प्रिंट करवा के जगह जगह पर लगाया जा रहा है ये क्या सिलसिला है जरा बताइए बिल्कुल ये सरासर ज़्यादती है और कुरान पाक की बेरोती आप ये देखिए कि अगर ये वही कुरान पाक है जो अगर नार्मल्ल्क नार्वे में जलाया गया था तो तमाम उम्मत मुस्लिम यकजा होकर उसने इतजाज किया, इतजाज किया और एहतजाज होना भी चाहिए था होना बहुत चाहिए। अच्छी बात है इस पे एहतजाज किया बहुत ही अच्छी बात है मैं उम्मत मुस्लिमा को इस बात पर खराज तहसीन पेश करता हूँ ठीक है कि अगर नार्वे में कुरान पक जलाया गया तो तमाम उम्मत मुसलि यकजा होकर उसने एहतजाज बुलंद किया बहुत अच्छी बात है मगर ये जो हमारे अपने शहर में अगर ऐसा हो रहा है जी तो इस पर भी तो बात होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए सिर्फ नार्वे में अगर कोई अगर कोई कुरान पाक जलाया जाएगा जब ही बात की जाएगी बिल्कुल ठीक है ये तो कोई बात ना हुई कुरान पाक तो वही है, है। जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल फरमाया है एक ही कुरान पाक है चाहे वो नार्वे में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे हिंदुस्तान में हो अमेरिका में हो दुनिया के किसी भी में कुरान पाक तो एक ही है तो इसके लिए, लिए तब मैं यही अर्ज करूंगा कि तमाम उम्मत मुसलिम इस पर जगजा हो और कुर करीम की तज़ीम के लिए इसके अदब के लिए पॉलिसी बनाई जाए बिल्कुल ठीक है और दूसरा जैसे अभी तस्करा हो रहा था क्योंकि मामला बड़ा हसास है लेकिन ये हम लोगों से गलती हो रही है जैसे मैंने कहा के तो यकीन कोई गलती नहीं करता लेकिन इस चीज़ को नजरअंदाज़ ज़रूर कर देते हैं कि इसकी हरमत को कैसे महफूज रखा जाए अभी गाड़ियों के ऊपर स्टीकर्स वगैरह जिसके भी हमने तस्करा किया मैं चाहूँगा इसके बारे में भी ज़रा बताइए जैसे हम बात कर रहे थे अभी नुकसाना हैं और क्या गलती हमसे यहाँ पर हो रही है गाड़ियों पर लोग लगा रहे हैं कुर की आयत को जिप्सा कर देते हैं अब उस गाड़ी के ऊपर जानवर भी चढ़ जाते हैं ऐसा ही है और अगर दूसरी सूरत में बारिश बरसती है अगर उसके ऊपर तो उसका पाक पानी जो आयत से टकरा कर जो पानी नीचे गिर रहा है वो तो ल, गाड़ी पे लगाने वाले आयत करीमा लगाने वाले जरा इस बात को सोचें कि वो पानी कहाँ जा रहा है बिल्कुल ठीक है जरा सोचें इस बात पर तो अगर इसको आप ना लगाएं तो इसके मतलब लगाने से क्या फायदा हासिल हो रहा है बिल्कुल ठीक है फायदा क्या है जी आ, अगर आपने आपको ज्यादा ही कुरान पाक से मोहब्बत है तो आप उस कुरान पाक की तिलावत करें बेशक सबसे अच्छी बात घर से है। निकलते वक्त कुरान करीम की तिलावत करें गाड़ी में बैठते वक्त तिलावत अच्छी बात है और मैं तो ये आपसे गुजारिश करूंगा कि जो सफर की दुआ है ये जरा इसको जब जब भी ड्राइविंग सीट पर आप तशरी फरमा हो तो इस सफर दुआ लाजमी पढ़ लिया करें पढ़ लिया इससे फायदा एक ये भी होगा कि हम सुन्नत पर कार फरमा हो जाएंगे और दूसरी सबसे बड़ी बात एक ये भी होगी कि हम हादसा से ही महफूज महफूज रह सकेंगे आपने बड़ी अच्छी बात कही है लेकिन इसमें भी देखे अभी तमाम चीजें सामने आ रही हैं वो गाड़ियों में स्टिकर की शक्ल में या कार्ड की सूरत में जो लोगों ने लटकाया हुआ होता है और फिर जो सर्विस स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ से भी इतने इतने सारे बंच जो है वो निकल रहते हैं आपके पास भी यकीन आए होंगे तो ये गलतियाँ हम बार बार कर रहे हैं इनको जहन नशीन कीजिए इसको हिफ़्ज़ कीजिए बहुत आसान है ये और ये ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि ये कार्ड्स की सूरत में लगा दिए जाते हैं और फिर थोड़ा से बाद उसको जो है वो निकाल दिया जाता है वो गाड़ी में आपने यकीनन हिफाजत से रखे होते हैं लेकिन जब वो निकाले जाते हैं गाड़ी से तो फिर वो भी आपको इस तरह मिलते हैं और इस चीज़ को हमने महफूज करना और जैसे अभी हमारी गुफ्तगोरी थी अकील और रहमान साहब से कि इसमें हर इंफरादी शख्स की ज़िम्मेदारी है कि इसके कैसे हमने हिफाजत करनी है और किस तरह इसको महफूज रखना है एक नाच से ब्रेक की तरफ़ जाएंगे ठीक है जी तो एक ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं और यहाँ पर हमारे साथ जो है मुलाजिम हुसैन सुल्तानी साहब जो है वो तशीफ़ है रमज़ान मुबारक में जो हमारी खसूस ट्रांसमिशन हुआ करती थी उसमें भी हमारे साथ हुआ करते थे और बड़े ख़ूबसूरत आवाज़ अल्लाह ने आपको अता की है बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ आपका है तो उनसे ये गुजारिश करेंगे कि इस मॉर्निंग ट्रांसमिशन में एक नातिया क़लाम पेश करें और उसके बाद फिर हम ब्रेक की तरफ़ जाएंगे और ब्रेक से जब वापस आएँगे तो फिर ये सिलसिला जारी रहेगा इसके हवाले से अगर अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो देख रहे हैं प्रोग्राम तो वो हमसे रबता कर सकते हैं जैसे आ, करीम के हवाले से बात हो रही है कि नुस्खे अगर उनके पास हैं अगर वो हदिया करना चाहते हैं अगर वो उनकी हिफाजत नहीं कर पा रहा है तो वो हमसे रुजू कर सकते हैं तो नंबर हम एक दफ़ा फिर चला देंगे तो आप प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं जी बिसमिल्ला कीजिए हम देबारित चंदार पेश कर रहा हूँ मेरे कहाँ पे नहीं है तू तेरी, तेरी शान जला लो हो। The <authenticity> <Langvier flats> क्या तुम ई तेल में रंगोबू तेरी शान जल्ला जला हो मेरे रब पे नहीं है तू तेरी शान जल जला, जला हो तेरा फैज फैगे अमीम है जलाल हो मेरे रब कहाँ पे नहीं है तू तेरी शान जल जलाल जला जला प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे ब्रेक पे जाने से पहले गुतगु का सिलसिला जारी था बड़े अहम मामले के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी प्रोग्राम में एक बड़ा हसास मामला है और इसकी निशानदेही की गई है यहाँ पर कुरान करीम के मुकदस और आक उनकी जिस तरह बेहरमती हो रही है इसको कैसे रोका जाए ये एक बड़ा अहम सवाल है अल्लाह ताली हम सबको समझने की तोफीक़ दे रहमान कमाली साहब यहाँ पे तशीफ़ फरें जो कि चेयरमैन है कमाली खिदमत का वेलफेयर ये कैसे ख्याल आया कि ये इस तरह का कोई वेलफेयर का काम जो है वो एक बहुत बड़ा काम है ये अपने ज़िम्मे लेना कराची एक बहुत बड़ा शहर है बड़ा दुशार गुजार शहर है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना इंतहाई मुश्किल काम है कुछ इतने इतने ख़तरनाक इलाके हैं कि वहाँ पर जाकर काम करना इस तरह का तो बहुत ही मुश्किल है कैसे ये मुमकिन हुआ और ख़्याल कैसे आया ये ज़रा फरमाइए मेरे वाल साहब का इंतकाल हुआ तकरीबन पाँच साल पहले अच्छा अल्लाह रहमत फरमाए तो जब वो तदफीन उनकी हुई तो मेरा सिलसिला कब्रिस्तान की तरफ मतलब हुआ ज्यादा ठीक तो मैं तकरीबन रोज़ाना कब्रिस्तान जाया करता ठीक तो वहाँ पर मैंने ये हालत ज़ार देखी कि कई मुकदम सौराग शहीद कुरान पाक कचरे के ढेरों में पड़े हुए हैं और कचरा तो तकरीबन हर कब्रिस्तान में ही कचरे के ढेर लगे हुए हैं बिल्कुल ठीक है। और उस कचरे के के अंदर कौरने, कौरने पाक के मौजूद हैं और अहद मुबारक मौजूद हैं तो वहां से ये ये अल्लाह रब्बुल की तरफ से मुझे ये इशारा हुआ मुझे ये काम करना चाहिए ठीक है और इस काम का मुझे जो इसका अजर अल्लाह इज्जत मुझे आता फरमाएगा तो इसको तमाम उम्मत को मैंने किया है कि तमाम बिल्कुल ठीक है अच्छा ये अब समझने की बात है हम जिस चीज़ के ऊपर ज़ोर दे रहे हैं वो बार बार ये है कि हमें इस ग़लती से बचा जाए और जिस तरह हम इसको रिसाइकिल करते हैं अपनी रद्दी को उसी तरह हम इन मुकदस और को भी जब उसमें शामिल हो जाते हैं हम इसको रिसाइकिल कर देते हैं क्योंकि हमारी अनियत ऐसी नहीं होती लेकिन उसके बाद जो जिस तरह इस्तेमाल होता है और जिस तरह फिर आगे वो पहुँचाया जाता है तो ये एक बड़ा ख़तरनाक अमर है अच्छा जी अब ये कि किसी इदारे को चलाने के फिर लोगों की ज़रूरत पड़ती है कार्य खैर में यकीन बहुत सारे मुखलिस लोग होंगे लेकिन इस वक्त इतने सारे मौशी मसाइल हैं वक्त लोगों के पास अब बिल्कुल ना होने के बराबर है मुश्किल में घिरे हुए हैं अगर आप किसी खैर के काम के लिए भी अगर किसी से रुजू करें तो यकीन उसके लिए इतना आसान और सहल नहीं होता ये तो एक इंतहाई मुश्किल काम है कि जिसमें आपको समंदरों में भी जाना है नालों को भी देखना है और बहुत सारे ऐसे मराकज़ हैं जहाँ पर जो इस तरह के रद्दी के ढेर लगे होते हैं अंबार होते हैं वहाँ से कलेक्ट करना कैसे तरतीब दिया कि ये इन इन जगहों पर जाकर देखा जाए कि यहाँ यहाँ से हमें मिल सकता बस ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुआ है और जैसे जैसे हम अपने कदम आगे बढ़ाते गए इस काम में तो उसकी तरफ से हमें आसानियाँ मिलती गई बहुत खूब जो सबसे पहले जो हमने वर्क किया था तो वो चंद सौ पे मुश्तम था यानी कि जो एक दफ़ा जो हमने वर्क किया पहली दफ़ा तो वो उस पर हमारी हमारा जो खर्चा आया था चंद सौ दो, दो सौ या तीन सौ के करीब लगभग इसके करीब ख़र्चा आया था और अभी हमारी ये सूरत हाल है कि अगर एक इतवार को हम जाते हैं तो बाज़ात एक इतवार का खर्चा हमारा पाँच हज़ार छः हज़ार दस हज़ार तक भी चला जाता है ठीक है तो ये सब उसकी तरफ से आसानियाँ हमें मिल रही हैं अल्लाब की तरफ से उसने हबीब के सदक़े से ही हम पे हनायतें की हैं बेशक बड़ी इनायत है और ये बड़ा काम है जो आपसे ले रहा है परव दिगार ये फरमाइए कि अब जैसे आपने जगहों को तयन किया है यहाँ तो हमने बहुत सारे अपनी रिपोर्ट्स में देखा कि ऐसी जगह हैं जहाँ से कुरान करीम के मुकदस और आक जो है वहाँ से बरामद हुए हैं उसमें बहुत सारे नाले भी शामिल हैं और बहुत सारी ऐसी जगहों पर तो क्या उन जगहों को आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ यहाँ से ये मिल रहे हैं वहाँ वहाँ जाकर जो है वो तलाश कर रहे हैं फिर ये कैसे मुमकिन बस ये तलाश तो मुसलसल जारी रहती है अब जैसे मैं जॉब पर भी जा रहा होता हूँ तो मेरी नजरें घूम रही होती हैं है। जहां पर भी ऐसा अगर है। वो सूरत बहुत कशीदा होती है तो वो वर्क मैं उसी वक्त कर लेता हूँ ठीक है और अगर ऐसा होता है कि चलो इसको दो दिन दो दिन के बाद तीन दिन के बाद कर लिया जाएगा तो अगले हफ्ते का जो हमारा टारगेट होता है तो हम उसको वहां पर उसको कौन सी ऐसी जगह है जहाँ कभी दिमाग नहीं गया कि यहाँ से भी ये सब चीज़ें बरामद हो सकती है वहाँ से कभी बरामद हुई हो ताकि लोग जो ये देख रहे हैं वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि वहाँ पर जो है वो इस तरह नहीं वो कचरा डालना चाहिए मैं दोबारा फिर ये अर्ज़ करूँगा कि इस चीज़ पे तमाम उमत मुसलमान को यकजा होना होगा बिल्कुल ठीक है अब वो ख़ुद भी मुशाह कर सकते हैं जो हमारे प्रोग्राम को देख भी रहे हैं नाजरीन से मैं ये गुजारिश करूँगा के जब वो बाहर निकलते हैं तो खंबों पर नजर बिजली के खंभे हैं पोल लगे हुए हैं हुँ। हुँ। उन पर देख सकते हैं कि वहां पर लोगों ने शॉपर में लटकाए हुए हैं कुरान पाक या दीवारों में थोड़ी सी जगह होती है तो उसमें लगा देते हैं देते हैं उसके जी हाँ हैं। हैं। तो इस पर तमाम मुस्लिम अगर यकजा हो जाए और थोड़ा सा ये थोड़ा सा अगर जहन हो जाए तो इनशाला बेहत तो नहीं हो सकती बिल्कुल ठीक है इसमें हमें खुद से अपना किरदार अदा करना पड़ेगा और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अपने इर्द गिर्द माहौल पर नजर रखने की ज़रूरत है इतनी हजत तो कर लेते हैं कि उसको उठा कर कहीं पर कोने में रख दें लेकिन सही जगह तक पहुँचाना इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये इदारा कहाँ पर वाक़ है कहाँ पर आपने दफ्तर बनाया है या कोई ऐसी जगह जो देखने वालों को पता चले कि अगर आपसे रहा करना हो तो यहाँ तक जा सकते हैं ये छः पर ठीक है सी का एरिया है ठीक है कराची का इलाका है जी तो और मेरा नंबर भी है तो ठीक है आपसे जो है वो रबता किया जा सकता है अगर आपके पास हैं इस तरह के मुकदसराख या कुरान करीम के अगर नुस्खे अगर आपके पास मौजूद हैं और आप समझते हैं कि आप इसकी हिफाजत नहीं कर पा रहे तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और ये जिन लोगों तक पहुँचाना इनकी ज़िम्मेदारी वैसे भी लड़काना का भी आपने तस्करा किया है जेल जी तक, जी तक आपने पहुँचाया इसके अलावा और कहाँ कहाँ मूल के अंदर आपने पहुँचा है यहाँ कराची में सेंट्रल जेल में दिए हैं और बच्चा जेल मलिर में है वहाँ पर दिए हैं

ठीक है और अभी भी इस वक्त तकरीबन सत्रह सौ अठारह सौ करीब लगभग कुरान पाक हमारे पास है। हैं मौजूद हैं और इस्लामी किताबें तो हज़ारों की तादाद हज़ारों की तादाद जी हाँ तो जिसको भी चाहिए तो रबता करें आपसे सकते हैं उनके है। पास मिल सकते हैं तो ये एक बड़ा काम है और ये अब तो समझने वालों के लिए ज़रूरी है कि इसको इसकी हिफाजत हम सबका फ़र्ज़ है इसको आप समझ लीजिए कि ये जिस तरह हो रहा है सोसाइटी में और ये रिपोर्ट्स में बार बार दोहरा रहा हूँ कि जिस तरह हमने इसके ऊपर जो रिपोर्ट्स तैयार की हैं वो चलाना इसलिए मुनासिब नहीं है कि वो बड़े तकलीफ़ देह मुनासब हैं वो हम ख़ुद नहीं देख सकते तो उसको टी वी पर तो नहीं दिखाया जा सकता लेकिन ये बेहरमती हो रही है और अगर इसको नहीं रोका गया तो फिर ज़िम्मेदारी हम सब के ऊपर आयद होगी और ये जितनी मुश्किल इस वक्त जिनका हमें सामना है उसकी कहीं ना कहीं एक वजह यही भी है कि हम इससे बहुत ज़्यादा बेपरवाह हो चुके हैं लापरवाही का मुशाह कर रहे हैं जिसकी वजह से ये नुकसान हो रहे हैं जैसे गाड़ियों का भी तस्करा इन्होंने किया गाड़ियों वगैरह परीम के जो मुकदस आयात हैं वो लोग जो है वो लगा देते हैं स्टिकर्स की सूरत में लगा देते हैं और लगा देते हैं तो इसकी वजह से भी जो है वो गुनाह के सरे में आता है और इसका नुकसान हो रहे हैं तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है अच्छा जी अब ये चेयरमैन खदमत गार वेलफेयर है इसके अलावा और भी जैसे बहुत सारी हमने देखा है ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं लोगों को रोज़गार भी फराम कर रही हैं आप ख़ुद मेरे ख्याल में लिखते भी हैं ये अभी मैं जो देख रहा हूँ आपके सामने जो ये आप आपका पढ़ा है ये क्या सिलसिला है ज़रा इसके बारे में बताइए ये कुछ अश्यार मैंने लिखे हैं कुरान बाग की जो जी धरमती हो रही है उस पर कुछ अशार लिखे हैं ज़रूर ज़रूर दिखाइए सुना जी सुनाइए बिल्कुल आप कुछ जी। रोते हैं और, आके मुकदस। और रो रहा कुरान है रोते हैं और आके मुकदस और रो रहा कुरान है क्या भूल गए हैं मुझको मुस्लिम ये पूछ रहा कुरान, कुरान है।, है बेशक ऐसा ही है बिखरे हुए हैं सड़कों पर जो आँखों से लगाए जाते थे जी कैसी है ये तालीम मुस्लिम और कैसा ये ईमान है।, है मुफ्ती आलिम कारी नमाजी और पीरों के ढेर हैं मेरी हरमत पर कब बात करोगे ये पूछ रहा कुरान है बिल्कुल ऐसा ही रद्दी में बेचता है कभी और कभी कचरे में फेंक आता है क्यों तुझ में ताज़ीम नहीं अरे कैसा तू इंसान है क्या कहने बिल्कुल ऐसा ही अब पूछते हैं हर मुस्लिम से अहब नबी का इल्म क्यों तुम में नहीं बू बकर उमर व अली हैदर क्यों तुम में नहीं उस्मान है अब नबी के रुके से बंदरिया भी चल पड़ता था कैसा है तू आज का मुस्लिम कैसा तेरा ईमान है मुस्लिम तो बुरा ना होगा कभी हाँ बात मगर है इतनी सी हम भूल गए हैं आदाब व अदब बस अब बस अदब का ही फुकदान है बिल्कुल इस है कमतर कमाली का मिलकर सब अहल ईमा दें करता है ये जिसकी खिदमत वो अल्लाह का कुरान अल्लाह का कुरान है सबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह बहुत जी मुलाजिम हुसैन सुल्तानी साहब यहाँ तशीफ़ फरमा है और आखिरी चंद लमहत हमारे पास हैं कोशिश हमारी ये थी कि आज इस मौजू के हवाले से गुफगू करें और इस तरह और बहुत सारे मसाल हैं जिनके बारे में लोग निशानदेही करते हैं आज हमें मौक़ा मिला कि हम इस बारे में बात कर सकें और ऐसे खुदा के बंदे मौजूद हैं जिन्होंने अपने ज़िम्मे ये काम लिया हुआ है लेकिन एक दफ़ा फिर ज़िम्मेदारी हम सब के ऊपर आयद होती है मुकदस औराक को कुरान करीम की जो हरमत है इसका ख़्याल रखना है मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि दानिशा कोई भी शख्सिय नहीं कर सकता कि वो इन औराक को जो है कर दे या शहीद कर दे ये गलती से अगर हो रहा है जैसा भी बात हो रही थी कि कुछ लोग जला देते हैं उमा कराम कि इसके ऊपर मुख्त आप वो बेहतर इस बारे में जानते हैं लेकिन इसकी हिफाजत जो है ज़िम्मे हमारे है और इस तरह ज़ाया कर देना इसको ये बड़ा एक नुकसानदेह चीज है जिसका नुकसान हमें पूरी सोसाइटी के ऊपर नजर आ रहा है इस चीज़ का ख्याल रखें और जैसा भी बात हो रही थी कि यहाँ पर कि यह अपनी जिम्मेदारी एक शख्स की भी है कि वो अगर अपने इर्द गिर्द देखे कि खम्बों वगैरह पे अक्सर हम देखते हैं कि लोग बिजली के जो है वो ये थैलियों की शक्ल में लटका देते हैं तो इन तक पहुंचा सकते हैं बल्कि ख़ुद भी इसको जख़ीरा कर सकते हैं इसको महफूज अपने पास रख सकते हैं ये अपनी ज़िम्मेदारी बनाइए और इससे बचा जाए कि जो बेहुरमती हो रही है ख़ास तौर पर जैसा भी इन्होंने बताया कि कब्रस्तान वगैरह में इस एक चीज ज़्यादा बेहरमति होती है ये और आप वहाँ से ज़्यादा बरामद होते हैं लोग अक्सर भूल जाते हैं या वहाँ पर अगर कोई सफ़ा वगैरह शहीद हो जाता है तो वहीं कोने में किसी रख देते हैं इन तमाम चीज़ों से गुरेज करना ज़रूरी है जी मुलाजिम हुसैन सुल्तान साहब मैं तशीफ उनसे ये गुजारिश करूंगा कि आखिरी लम्हात हमारे पास हैं एक कलम और जो है वो यहाँ पर हदीया करें और उसके बाद फिर अपने अख्ताम की जानब चलते हैं जी बिस्मिला दामद है। जी, जी मुकाम के हवाले से चार जी, जी। ने कर बला में वादे निभा दिए نے کربلا میں وعدے نبھا دیئے ہیں دین محمدی کے دین محمدی کے گلشن کھلا دیئے ہیں سید نے کربلا میں वादे निभा दिए हैं बोले उसे मौला तेरे रजात की खात बोले उसे मौला तेरे रजात की खात एक एक मैं कार के मेले हीरे रुला दिए हैं सैयद ये करबला में वादे निभा दिए हैं जैनब के बाल में भी दो फूल थे मैं के जैन के बाग में बे दो, दो फूल थे महकते मह थे जैनब निबिदानो जैन ने बॉबिदान वो ने वो राय खुदा दिए हे सैयद करवला में वादे निभा दिए हैं दीने नब्बे पेबा अकबर ने भी जवान दीने नब्बे पेबारे अकबर ने भी जवान अब्बास ने भी बीता अब्बास ने भी जू कटा दिए सैयद ने करबला कर में वादे निभा दिए जारा के नाग पाले झूलों में सोने वाले जारा, वाले जारा के नाग पाले खा के खा 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 में सोने वाले करबला में खाके करबला में वोईरे लुटा दिए सैयद ने करबला में वादे निभा दिए आखिरी शेर समाप्त कीजिएगा हम बख्शिश है उसके लाज़िम सैयद के गम में हाफ़िज़ बख्शिश है उस पे लाज़िम सैयद के गम में हाफ़िज़ दो चार आसुरों का दो, 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 दो चार हा दिए सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं जजाक जनाब मुलाजिम हुसैन सुल्तानी साहब भी कलाम पेश कर रहे थे प्रोग्राम का इख्तिताम है और इस मसले के ऊपर गुतगू की अगर इसके अलावा और कुछ मामला हैं मसाइल हैं या इससे जुड़ा अगर कोई मसला अदर पेश आपको है तो आप हमारे प्रोग्राम में कॉल करके हमसे रबाता कर सकते हैं दिए गए नंबर्स के ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर इस बारे में बात होगी और इस तरह दीगर मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में गुतगू होती रहती है आज कोशिश ये कि मुख्तलि मामला पर गुतु करें प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में सेहत के हवाले से बात हुई इन शाला नेक्स्ट वीक में और बहुत सारे आपके ऐसे पैगाम मौसम हुए हैं जैसे इसी तरह और दीगर मसाइल की तरफ निशानदेही करवाई गई है मैं बेहद शुक्र गुजार हूँ देखने वालों का कि वो इन तमाम मसाइल की निशानदेही करते हैं और ये हमारे जो समाज में मसाइल इस वक्त हमें दरपेश है। है, हैं जो चैलेंजेस दरपेश हैं वहीं की वजह से बहुत सारी और दीगर ऐसी गलतियाँ हो रही हैं जिसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है बहर सिर्फ़ हुकूमतों पर तनकीद नहीं की जा सकती ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि ये जो गलतियाँ हो रही हैं इसमें हम हम पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इसकी आयद होती है तो इनशाला इसके ऊपर और इस तरह दीगर मामलों पर गुतु होती रहेगी मैं अपने मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रगजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में हिस्सा लिया लियाली रहमान कमाली साहब चेयरमैन कमाली खिदत गार वेलफेयर के बहुत शुक्रिया आपका जनाब कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया अल्लाह आपको जजाय खैर दे और इसी तरह हिम्मत दे के आप ये जो खैर का काम है इसी तरह करते रहें और आगे भी इसको फैलाते रहें मुलाजिम हसन सुल्तानी साहब बेहद शुक्रगुजार कि उन्होंने अपना वक्त दिया और इस ट्रांसमिशन में साथ दिया हमारा नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी मोहम्मद यासर को और हमारी टीम को दी जाए अल्लाह अल्लाह के बाद